देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। ऐसे में नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के कद्दावर नेता नितिन गडकरी चुनाव प्रत्याशी है, तो महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे को उम्मीदवारी घोषित हुई है। इसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है विकास ठाकरे से। कांग्रेस ने शनिवार रात अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में विदर्भ के 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने किसी भी सीट पर उम्मीदवार को रिपीट नहीं किया है, सभी जगह नए नाम पर दाव लगाया है। नागपुर से विकास ठाकरे, रामटेक से रश्मि बर्वे को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों की इस घोषणा से फिलहाल नागपुर लोकसभा क्षेत्र में स्थिति स्पष्ट हो गई है। भाजपा से नितिन गडकरी और कांग्रेस से विकास ठाकरे के बीच सीधा मुकाबला होगा। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में जो है विकास ठाकरे, ये लड़ने वाले हैं नितिन गडकरी, जो कद्दावर नेता है, जाने जाते हैं, और इस निर्वाचन क्षेत्र की ओर पूरे देश की निगाहें रहती है। और आज जो है विपक्ष की ओर से इनके नाम की घोषणा की गई है, क्या बताओगे सर, किस तरह से तैयारियां शुरू है? मुझे लगता है चुनाव की तैयारियां करना मुझे कोई नया काम नहीं है। पिछले 25 सालों से यही काम मैं करते आ रहा हूं और 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। पार्टी का 10 साल से प्रेसिडेंट हूं। कोई भी चुनाव या कोई भी आंदोलन या कोई भी काम हुआ तो मेरे पर ही जिम्मेदारी रहती है। सारे शहर भरे में हमारा नेटवर्क है, हमारे कार्यकर्ता है। जनता के सवालों के लिए हम आंदोलन करके जनता को न्याय दिलाने के लिए कई बार आंदोलन किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस शहर के गली कूचे के प्रॉब्लम, इस शहर के लिए क्या किया जाए और शहर में कौन कहां पर है, ये सब मुझे ध्यात है। और मुझे इस की कोई ये नहीं, अभी जैसी टिकट मिली तो हर कार्यकर्ता अपने अपने काम से शहर के 6 मतदार संघों में लग गया है और अभी प्रचार करेंगे, मतदान की प्रतीक्षा करेंगे। आप जिनके खिलाफ लड़ने वाले हो चुनावी जंग, वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जनसमर्थन भी बहुत है उन्हें, जैसे हमने देखा कि पहले सूची में उनका नाम नहीं आया था तो विपक्ष की ओर से भी उन्हें समर्थन दिया गया था, तो ऐसे में इस चुनाव को आप कैसे देखते हो? मुझे आप बताइए कि इस देश की राजनीति में कितने कद्दावर नेताओं की हारनी हुई। कद्दावर नेता होता है मगर कभी ना कभी हारता है ना। इंदिरा जी हारी थी, अभी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे थे, बड़े बड़े लोग हारते हैं, ये समय समय की बात रहती है। और इस नागपुर शहर ने 12 बार कांग्रेस का सांसद चुन के दिया है, 12 बार कांग्रेस का सांसद इस शहर ने चुन के दिया है, तो शहर में कांग्रेसी विचारधारा है। 3 बार बीजेपी का सांसद आया, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी को। मैं भी 8 बार चुनाव लड़ा हूँ, 4 बार जीता हूँ, 4 बार हारा हूँ, तो मैं चुनाव लड़ते समय ये नहीं सोचता कि मैं बहुत कद्दावर हूँ तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। कितना भी कद्दावर नेता होगा, कहीं ना कहीं उसका अगर कुछ हुआ तो उसको हारना पड़ता है, ये चुनाव लड़ना पड़ता है। और मैं चुनाव लड़ना जानता हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा इस मनसूबे से चुनाव में। देखा, अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है नागपुर में, या कोई लड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि नितिन गडकरी के खिलाफ। ये आपके मीडिया में ऐसी डाला जा रहा था, मगर एक्चुअल में मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ। मुझे 29 लोगों ने लड़ने की इच्छा जताई है। नागपुर शहर में एक से एक बड़े बड़े लोग हैं जो 8-8 बार विधायक रहे हैं, 8-8 बार MLA रहे हैं, मंत्री रहे, का खदान है नागपुर में कांग्रेस के नेताओं की। और जो नई पीढ़ी में आए हुए नेता भी तगड़े बने हैं, तो ऐसी थोड़ी नहीं कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं है और कोई लड़ना नहीं है। ये आपके मीडिया के माध्यम से, अब मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई साजिश होगी कि ऐसी अफवाह फैलाओ तो कोई चुनाव में ना उतरे, मगर हमारे पार्टी के सर्वे में जो नाम आते हैं उन्हीं को टिकट मिलती है। तो क्या होली का गुलाल जो है अबीर गुलाल, आप मतलब जो चुनावी माहौल देख रहे हैं और होली आ रही है, तो होली पर भी कहीं ना कहीं चुनावी माहौल का असर दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है चुनावी माहौल, ये इलेक्शन 5 साल में 3 चुनाव आते हैं, महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा। अब मुझे इतना तजुर्बा हो गया कि मैं महानगर पालिका भी लड़ा हूँ, विधानसभा भी लड़ा हूँ और लोकसभा भी लड़ने जा रहा हूँ। इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव रहते थे उन चुनावों का नियोजन सक्रियता से मैं ही करता था, तो मुझे ये चुनाव उनाव इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कैसा चुनाव लड़ा जाए, कैसी चुनाव का नियोजन करा जाए, बस जनता का विश्वास होना।
ये नागपुर शहर की जनता तय करेगी कि हमें किसे चुन के देना है। और नागपुर शहर के जनता ने मुझे 4 बार चुन के दिया है, 4 बार गिराया भी है, तो ये तजुर्बा मेरे पास है कि आदमी हारता कैसे है, आदमी जीतता कैसे है, जनता का दिल कैसे जीतना। और मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ जो जनता के दुख दर्द में उनके साथ रहने वाला हूँ, जनता को न्याय दिलाने के लिए आधी रात को रास्ते पर निकलने वाला हूँ, और इस तरीके से ही मैं सामान्य करते करते आगे भी बनकर जनता की सेवा करने वाला हूँ, और बाकी चीज़ों की मैं कुछ चिंता नहीं करता। आखिरी सवाल है छोटा सा कि आपकी उम्मीदवारी जाहिर होते ही कहीं ना कहीं नागपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी दिखाई दे रही है, गुटबाजी को लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे लगता है अभी तो कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि पहले कार्यकर्ताओं ने डिमांड की कि मैंने चुनाव लड़ने को ना, कार्यकर्ता उम्र बढ़ेगी चुनाव लड़ो। मैं बोल रहा था कार्यकर्ताओं कि मैं MLA हूँ, मेरे 6 साल बाकी है, कोई नया नेता आएगा उसको पार्टी लड़ाएगी, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ वैसे उसको लड़ाऊंगा। मगर पार्टी ने भी सर्वे कराया और पार्टी को लगा कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाए, तो पार्टी का आदेश और मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा, ये दोनों का मिलन हो गया और गठबाजी खत्म हो गई। तो हमने देखा कि आखिरकार जो है नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गडकरी के विरोध में लड़ने के लिए विपक्ष की ओर से विकास ठाकरे इनकी उम्मीदवारी जाहिर की गई है, और कार्यकर्ताओं की इच्छा और पार्टी की ओर से जो है आदेश का पालन करते हुए आज उन्होंने उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ने का यह फैसला किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।